को हाजी अली से मैं निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ मुंबा देवी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मरीन लाइन की जो बस है वो 305 नंबर की यहाँ से हुई है और यहाँ पे हम लोग जाएंगे मरीन लाइन। मरीन लाइन से हम लोग कैसे जाते हैं वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मुंबा देवी कैसे जा सकते हैं, सब कुछ वीडियो में डिटेल में दिखाने वाला हूँ दोस्तों, बने रहिए और चलो चलते हैं मुंबा देवी। मरीन लाइन पे आ चुका हूँ और मरीन लाइन से फेरेट टैक्सी मिलती है यहाँ पे जो भी है मुंबा देवी, यानी कि वहाँ से थोड़ा दूर छोड़ती है, सिर्फ फेरेट टैक्सी 10 रुपये के आसपास लगती है तो आपको मुंबा देवी पहुँचा। तो चलो चलता हूँ मैं तो आपको दिखाता हूँ मुंबा देवी कैसे। मरीन लाइन से बैठ चुका हूँ टैक्सी में, यहाँ से सेरेट टैक्सी मिलती है। आप मरीन लाइन है वो लोकल रेलवे स्टेशन भी वहाँ से पहुँच सकते हैं और आप हाजी अली से भी मैंने जैसे आपको बताया बस में तो सिर्फ 6 रुपये लगते हैं वहाँ पहुँच सकते हो मरीन लाइन। और मरीन लाइन से टैक्सी सेरेट टैक्सी में 10 रुपीज़ में आप जा सकते हो मुंबा देवी। तो चलो चलते हैं मुंबा देवी और आपको दिखाता हूँ मुंबा देवी के दर्शन भी कराता हूँ और मार्केट भी दिखाऊँगा। तो दोस्तों मरीन लाइन से सीधा मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मुंबा देवी जाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा ही 200 मीटर दूर होता है मंदिर, यहाँ पे टैक्सी है वो रहती है, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है तो सामने आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊँगा अभी दोस्तों। तो ये दरगाह की लेफ्ट साइड, यहाँ से लेफ्ट साइड लेने का और डायरेक्ट आ जाता है मुंबा देवी। यहाँ पे आपको मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा यहाँ से। अभी तो कुछ नहीं है, मीन्स के 3-4 बजे के बाद यहाँ पे पूरा मार्केट लगता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लग गया है, शॉपिंग के लिए बेस्ट जगह पे है। मार्केट भी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज देख रहे हैं, जूते हैं, यहाँ पे मेकअप का सामान वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं जवेरी बाज़ार के अंदर यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान भी है, यहाँ पे इमिटेशन ज्वेलरीज वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं TBZ बहुत बड़ा फिल्म की ज्वेलरी। सामने दिखाई दे रहा है मुंबा देवी का, यहाँ पे गणपति है और यहाँ पे होलसेल मार्केट भी है, मैं रिटर्न में दिखाऊंगा। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं मुंबा देवी। आप देख सकते हैं यहां पे मुंबा देवी का ये मंदिर है, ये मुंबा देवी का बहुत पुराना इतिहास है, वर्षों पुराना यहां पे मंदिर है। और मुंबई का नाम मैं जाना तो बताता हूं कि मुंबई का नाम है और मुंबा देवी के हिसाब से यहां पे नाम मुंबई पड़ा है। तो यहां पे देखते हैं इस मंदिर की यहां पे एंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट लगा हुआ है, मुंबा देवी का फोटोज है सामने ही मुंबा देवी का। दोस्तों यहाँ पर मेरा टर्न आने वाला है, ये लाइन में ही खड़ा हूँ और आगे जाकर क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो यहाँ से मैं आपको बाहरी व्यू दिखा देता हूँ। अंदर ही मुंबा देवी का जो है स्थापन है, मुंबा देवी माता जी विराजमान है, सामने आप देख रहे हैं। दोस्तों बाहर निकल चुका हूँ मंदिर में दर्शन करके और बाहर की साइड ही आपको मिलेगी यहाँ पे माता जी की फोटो और यहाँ पे चूड़ियाँ है, बिंदी है, चूड़ी है, माता जी को चढ़ाया जाता है तो आप वो भी लेना चाहते हैं तो
मंदिर के बाहर निकलते ही यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, पूरा मार्केट में आपको दिखाऊंगा। ये जवेरी बाजार है, जवेरी बाजार में गणपति बाप्पा विराजमान है, तो चलो करते हैं गणपति बाप्पा का दर्शन। और खास करके कमेंट में आप जवेरी बाजार में आए हैं तो गणपति बाप्पा मौर्या एक बार जरूर लिख लीजिए। और मैं आपको दोस्तों वीडियो में बने रहे, मैं अभी जवेरी बाजार के आगे का मार्केट दिखाने वाला हूँ, तो चलो चलते हैं और देखते हैं। यहाँ सब ये होलसेल की दुकान है। मुंबा देवी से आगे थोड़ा जो यहाँ पे मस्जिद के सामने ही एक मार्केट लगता है, बहुत बड़ा मार्केट है। अभी मैं आपको मार्केट दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सबसे सस्ता अगर आप रेट करा सकते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट सब जूते हैं, कपड़े हैं अच्छे, बच्चे के लिए भी ज़्यादा है, खिलौने हैं, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो चलो चलते हैं और मैं दिखाता हूँ इस मार्केट की सैर कराता हूँ। ये मुंबा देवी मार्केट, यहाँ से देख सकते हैं मुंबा देवी का राजा। यहाँ पे स्पेशली आप देख सकते हैं दोस्तों। फाइनली मुंबा देवी का जो है ये टूर मैंने आपको कम्प्लीटली दिखा दिया है। यहाँ पे ज़्यादातर गर्मी है हो रही है, तो यहाँ पे मैं लास्ट में आया हूँ मुंबा देवी का राजा, मुंबा देवी का राजा है जो गणपति है। तो यहाँ पे आप पीछे मेरे देख सकते हैं बहुत अच्छा डेकोरेशन भी हुआ है। उसके बाद अभी यहाँ से जर्नी में आपको स्टॉप करने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ से बताता हूँ कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ मरीन लाइन, और मरीन लाइन से जाऊँगा चर्च गेट। तो इससे पहले इसके बाद में मैं चर्च गेट का ब्लॉग है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों खास करके चर्च गेट का कैसे, चर्च गेट से मैं इंडिया गेट कैसे जाऊँगा वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी आपको ये टूर कैसा लगा उसकी मुझे कमेंट जरूर बता दीजिए दोस्तों। बस मैं हूँ विवी और आप देख रहे हैं आपका अपना चहिता चैनल विवी इंडिया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय गणपति बाप्पा मौर्या।